ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं। और घुटना दर्द को पीठ के बल लेट करके किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आज हम आपको कुछ स्टेप्स दिखाने जा रहे हैं। सावधानी पूर्वक देखिएगा और एक एक शब्दों को बढ़िया से सुनिएगा, और इस स्टेप को यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको भी घुटना दर्द में बहुत लाभ होगा और घुटना को आप बचा सकते हैं। तो आइए एक बार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ब्रिज मोहन योग चैनल पर यह प्रसारित होता है और आप इसे देख करके लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी लाभ पहुँचा सकते हैं। यदि कोई घुटना में दर्द हो, बायां हो चाहे दाहिना हो, तो पीठ के बल लेट करके दोनों पैरों को दीवार के सहारे खड़ा कर देना है और इसमें आपको 5 मिनट इसी अवस्था में रुके रहना है। दोनों हाथ को सीधा करने के काम करके सांस को उभरते रहना है और छोड़ते रहना है। इसमें होता क्या है, ये जो पैर है इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट करते रहेंगे, पूरा अपनी तरफ आएंगे और पूरा ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। जब ये अभ्यास करते हैं तो ऊपर यानी तलवे की तरफ, हिंडली की तरफ, घुटने की तरफ ये जो रक्त है जो दूषित हो चुके हैं वो तो धीरे धीरे हमारे हृदय की तरफ आने लगता है और वहां आकर के वह शुद्ध होकर के जब हम पुनः बैठते हैं या खड़े होते हैं या लेटते हैं तो शुद्ध होकर के रक्त पूरा पैर की तरफ, घुटने की तरफ प्रवाहित होने लगता है। इसका एक मैकेनिज्म है। दूसरा, जब हम पैर को सीधा रखे हैं और तलवे को बार बार ऊपर की तरफ तान रहे हैं और नीचे की तरफ ला रहे हैं सांसों को भरते छोड़ते हुए, तो यहाँ जो कटोरी होता है ये वाला, इस पर मूवमेंट हो रहा है और इसके ऊपर और इसके नीचे की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, और जब मांसपेशियां मजबूत होंगी, मसल्स मजबूत होंगे, तो आपके घुटना दर्द स्वाभाविक तौर पर नेचुरली तरीके से मजबूत होंगे और दर्द भी आपका ठीक होना है। ये क्रिया 10-10 बार करता है। अब इसके करने के बाद क्या करना है कि आपको एक दुपट्टा ले करके और एक पैर में, मान लीजिए कि हमें दाहिना या बायां पैर में दर्द है, तो यहां ले करके एड़ी में थोड़ा फंसाना है और इस प्रकार लपेट देना है और एक पैर को वहीं रखना है दीवार में सटा करके और इधर से खींचना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और ये 10। फिर इसी दुपट्टे को दूसरे तलवे में हमें लगाना है। इस प्रकार लगाना है कि आपका एड़ी उसमें आ जाए। फिर थोड़ा सा दुपट्टे को ऐड करके और 10 बार ध्यान रखना है कि हमारा जो कमर है उसमें सट जाए और खींचना है, एक दो तीन, हल्का हल्का दबाव देना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है आपको। इसका लाभ क्या हो रहा है, हमारा पैर सीधा हो रहा है और घुटने के ऊपर और नीचे के मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण वो सबल हो रहे हैं। 10 बार यह अभ्यास करने के उपरांत आपको थोड़ी देर के लिए वहीं पर रोक देना है और दोनों पैरों को एक साथ करना है।
पैरों को एक साथ करना है, एक दो तीन चार पांच, थोड़ा सा रोकेंगे। इसमें दो स्टेप है, अभी मैंने लगातार किया, अब पांच बार 5 सेकेंड रुक रुक के करना है, खींचना है और आपको एक दो तीन चार पांच, पुनः खींचेंगे एक दो तीन चार पांच, पुनः खींचेंगे एक दो तीन चार पांच, तीन बार हुआ है, पुनः खींचना है एक दो तीन चार पांच, एक बार और करेंगे एक दो तीन चार और एक पांच। अब वहीं पे रोक देंगे थोड़ा देर के लिए, और रोकने के बाद करना क्या है कि ये बांधना है इसको, पैर को थोड़ा बाहर करेंगे, पिंडली के पास दुपट्टे से, उसी दुपट्टे से खींच करके और ये हमें बांध करके थोड़ी देर छोड़ना है और घुटने को खींचना है और छोड़ना है। खींचिए, ये जो कटोरी है बार बार संकुचित करना है और प्रसारित करना है, खींचिए छोड़िए खींचिए छोड़िए, ये क्रिया 10 बार करना है। अब इसके बाद दोनों पैरों को दीवार से हटा दीजिए, बस अब रोक के रखिए। इसे भी आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक रोकना है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि पैर को सीधे पसार करके और लेट जाना है, और एक दो मिनट लेटने के बाद पुनः आपको वर्तमान स्थिति में बैठ जाना है। आज मैंने आपको केवल पीठ के बल लेट के करने वाले 3-4 स्टेप्स के साथ ही कैसे घुटना दर्द को ठीक कर सकते हैं और कैसे अपने घुटने को सीधा कर सकते हैं, इस स्टेप को मैंने दिखाने का काम किया है। आप सभी को एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा कि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।